तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी की जो भी परीक्षाएं होनी थी वो दोस्तों यहां पे कैंसिल हो चुकी हैं, आप लोगों की स्थगित कर दी गई हैं। दोस्तों पूरा आप लोग इन्फॉर्मेशन देखिए और जो चैनल पर नए हैं स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ समय से मिलती रहे इस चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आज की डेट में आप लोगों की जो स्थगित परीक्षा का इन्फॉर्मेशन निकला हुआ है वो आप लोग अखबार में रीड कर सकते हो आज के। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोग मई के पहले सप्ताह में अगली तिथि तय होगी, शासन के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। यहाँ पे देख सकते हो मई के पहले सप्ताह में आप लोगों की जो अगली तिथि होगी वो तय की जाएगी, ठीक है, परीक्षा के लिए। और यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन गोरखपुर से निकली हुई है, आप लोग कॉलेज देख सकते हो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं शासन के निर्देश पर 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब मई के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, हालात ठीक रहे तो 15 मई के बाद परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं मई में प्रस्तावित थीं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्धारित तिथि पर परीक्षाएं ना कराने का निर्णय ले लिया है, लेकिन परीक्षाएं कब से होंगी इस पर संशय बना हुआ था। शुक्रवार को आए प्रशासन के निर्देश में 15 मई तक की परीक्षाएं को स्थगित करने के लिए कहा गया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो निर्णय हुआ वो 15 मई तक का आप लोगों को जो परीक्षाएं हैं यूनिवर्सिटी की उसको स्थगित कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दें, कोरोना की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है कि आप लोगों की जो परीक्षाएं थी यूनिवर्सिटी की उनको अभी टाल दिया गया है, लेकिन आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो पहले मई के सप्ताह में, जो दोस्तों आप लोगों की डेट आएगी, नई डेट आप लोगों की, नई डेट यानी कि बताई जाएगी कब से आप लोगों की ये परीक्षाएं टली हुई होंगी। मतलब कि आप लोगों की जो परीक्षाएँ हैं अभी तो 15 मई तक टाल दी गई हैं, 15 मई के बाद जो डेट आएगी वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षाएं के बाद होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। मतलब आप लोगों की जो परीक्षाएं, पहले लिखित आप लोग थ्योरी पेपर दोगे, उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल वाइवा किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रयोगात्मक परीक्षाओं को अब विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा के बाद कराने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में अब प्रयोगात्मक परीक्षाएं जुलाई तक आयोजित होने की संभावना है। आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों के प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वे आप लोगों की जुलाई तक संभावना है कि कराई जाए। और यहाँ पे देखिए आप लोग, कोरोना संक्रमण के चलते एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मई के पहले सप्ताह में परीक्षा को अगली तिथि का निर्धारण किया जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षाएँ अब लिखित परीक्षा के बाद कराने का निर्णय ले लिया है प्रो राजीव सिंह, कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की बता दें, आप लोगों की जो पहली आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो 15 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। और दोस्तों ये जो कॉलेज है, आप लोगों को बता दें, वीडियो यानी कि आप लोगों को बता दें कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट करेंगे कि मेरे कॉलेज की जो परीक्षाएं हैं वो क्यों नहीं स्थगित हुई, वो क्यों ऐसा ऐसा, ठीक है। तो उनको हम बता दें, क्योंकि आप लोगों की अगर जो एक यूनिवर्सिटी एक रूल फॉलो करती है तो जो आप लोगों की जो स्टेट में सारी यूनिवर्सिटी होती हैं वो उस यूनिवर्सिटी को रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों की जो परीक्षाएं स्थगित अभी तो 15 मई तक हो चुकी हैं, आगे आप लोगों की डेट आएगी या प्रमोट होंगे तो उसका आप लोगों को यहां पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की अभी 15 मई तक स्थगित कर दी गई, नेट नई डेट आएगी तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की जो पहले तो लिखित परीक्षाएँ थ्योरी पेपर कराए जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल वाइवा होंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर वीडियो क्लियर हो चुका होगा। जो भी यूजी और यहाँ पे पीजी के स्टूडेंट हैं, आई होप आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।